तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर मैग्नेट लगाऊंगा, फिर देखना आप लोग ये धीरे धीरे घूमेगा और फिर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके। तो इस तरह से मैं सिंपल यहाँ पर इसको लगाऊंगा इसके अंदर यहाँ पर, और एक बार मुझे इसको घुमाने की जरूरत है, बस एक बार ही घूमेगा, उसके बाद थोड़ा सा इसकी स्पीड में दे देता हूँ यहाँ पर और फिर चले। कुछ इस तरह से रख दिया मैंने और इस तरह से दोस्तों ये घूमना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, और कुछ इस तरह से देखे तो इसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे, इसकी स्पीड मैग्नेट पर यहाँ पर ट्रैक्शन की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं इस मैग्नेट को हटा दूंगा यहाँ से तो ये काम करना बंद रहेगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने हटा लिया तो ये रुक गया है, लेकिन जैसे फिर से लगाऊंगा तो इसे फिर चलू चलो तो इसे जैसे ही लगाऊंगा दोस्तों तुरंत फिर से चालू हो जाएगा चलना, आप देख रहे हैं। एक बार हल्का सा स्टार्ट करना पड़ेगा इसकी बूस्टिंग नज़दीक है, इस तरह से ये काम कर रहा है बेसिकली हमारा सिस्टम अच्छे तरीके से। इस तरह से हमारा ये फ्री एनर्जी जनरेटर काम कर रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से दोस्तों बेसिकली ये काम कर रहा है हमारा फ्री एनर्जी जनरेटर। अब मैं इसको मैंने तो हटा देता हूँ और ये बंद हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको हटा लूँगा और फाइनली ये बंद हो जाएगा फ्री एनर्जी जनरेटर को। इस तरह से इस वाले मैग्नेट की सहायता से ये काम करता है। तो दोस्तों इस परपेचुअल मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक पीवीसी पाइप का इस्तेमाल कर रहा हूँ छोटा सा, और यहाँ पर ये छोटे छोटे दो मुझे जो मोटर का बुश लगा होता है वो है यहाँ पर बेसिकली, मोटर के अंदर यहाँ पर बुश होता है यही है बेसिकली, निकाल लिया है एज ए बैरिंग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि बैरिंग नहीं बुश है तो बुश बैरिंग की तरह काम नहीं करता है, बस इसको थोड़ा घिसने के लिए और अच्छे तरीके से फ्रीली मूव कर पाए इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक लगा दूंगा सिंपली और इसको सुपर ग्लू की सहायता से चिपका देंगे, यानी वीगा क्विक विद द हेल्प ऑफ वीगा क्विक इस तरह से लगाएंगे और इसको आसानी से इसको अंदर चिपका देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों ये है 775 मोटर का स्टेटर जो घूमता है उसके अंदर, इसका जो कॉपर वायर से वाइंडिंग किया गया था वो मैंने खोल लिया है तो उसकी कोई जरूरत नहीं हमें, तो सिंपली इसके अंदर हमें इसको लगा देना है अंदर सिंपली कुछ इस तरह से सावधानी के साथ। चलो इसको डालने के बाद चिपका देते हैं, आकार हो गई सस्मी की है चिपकाने के बाद अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर इसके अंदर ये फ्रीली मूव कर पाएगा कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसको लगा दिया है दोस्तों इसके अंदर मुझे यहाँ पर ये है नेबेडियम मैग्नेट ये चाहिए यहाँ पर, ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होता है, एक बच्चे को ज़्यादा जल्दी छोड़ता नहीं है तो इसकी शक्ति का हम इस्तेमाल करेंगे बेसिकली। तो इसको इसके ऊपर लगा देते हैं सिंपली यहाँ पर, ये टोटली पाँच इसके अंदर स्टेटर का जो यहाँ पर खंड है ये है, तो इस पर हमें अलग अलग लगा देना है सेम डायरेक्शन में इस तरह से पाँचों पे। और भाई सब बड़ा तेज पकड़ता है यार ये, तो इसको भी लगा ही देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने फाइनली इसके ऊपर मैग्नेट को लगा दिया है और अब ये चुंबकीय शक्ति से काम करेगा बेसिकली, जब इसे चलाएंगे तो हम इसको आयल डाल देंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा सा अगर कुछ रहे जामा हल्का सा कचरा वचरा तो बिल्कुल साफ हो जाए। तो दोस्तों अब ये बिल्कुल आसानी से फ्री हो रहा है, आप देख सकते हैं घूम रहा है आसानी से रोटेशन। इसके ऊपर मैंने मैग्नेट को लगा दिया है नेबेडियम मैग्नेट जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है तो इसलिए मैंने इस पर लगा दिया है। अब सिंपल इसके ऊपर रखने के बाद इसको चिपका देंगे सुपर ग्लू के साथ से अच्छे तरीके से। तो दोस्तों फाइनली हमने इसके रोटर को लगा दिया कुछ इस तरह से, इसके ऊपर मैग्नेट भी लगा दिया अच्छे तरीके से, एक बार घुमाने पर ये अच्छे तरीके से घूम रहा है यहाँ पर। और अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक मैग्नेट लूंगा सिंपली यहाँ पर जो रेडियो के अंदर होता था स्पीकर के अंदर ये वाला, तभी देखना इसके ऊपर मैं यहाँ पर इसके पास लाता हूँ तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ कुछ गति होता है और धीरे धीरे घूमने की कोशिश करता है यहाँ पर, जब इसके पास लेता हूँ बढ़िया जो देखाऊँ कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं ये अच्छे तरीके से घूम रहा है। तो इस तरह से दोस्तों बेसिकली इसके यहाँ पर एनर्जी से जो इसके प्रतिकर्षण और आकर्षण करता है उसी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे घूम रहा है, तो इसलिए मैं इसके अंदर यहाँ पर लगाऊंगा मैग्नेट और फिर ये चलेगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर इसको चलने के लिए ताकि अच्छे तरह से दिखता रहे एक फैन लगाऊंगा यहाँ पर, और इस तरह से आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर लगा दूंगा ये फैन और इसको टाइट कर देते हैं इसी तरीके से। ये 12 वोल्ट का डीसी फैन है जो मोटर के अंदर लगता है 75 मोटर के अंदर।
इस तरह से आप देखेंगे यहाँ का, अब ये घूमेगा तो साथ ही लेकर पूरा घूमेगा साउंड, और ये अच्छे तरीके से चलता रहे तो मुझे पता रहेगा कि हाँ ये घूम रहा है तरीके से। तो अब मैं इसके अंदर इसको लगाऊंगा फिर देखना आप लोग। तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर माइनर लगाऊंगा फिर देखना आप लोग, ये धीरे धीरे घूमेगा और फिर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके। तो इस तरह से मैं सिंपली यहाँ पर इसको लगाऊंगा इसके अंदर यहाँ पर, और एक बार मुझे इसको घुमाने की जरूरत है, बस एक बार ये घूमेगा उसके बाद थोड़ा सा इसकी स्पीड में दे देता हूँ यहाँ पर, और फिर ये चलेगा कुछ इस तरह से रख दिया मैंने, और ये इस तरह से दोस्तों ये घूमना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, और कुछ इस तरह से आप देखते हो इसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे, इसकी स्पीड माइनर पर यहाँ पर अट्रैक्शन की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं इस माइनर को हटा दूंगा यहाँ से तो ये काम करना बंद रहेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने हटा लिया तो ये रुक गया है, लेकिन जैसे फिर से लगाऊंगा तो इसे फिर चलू चलो जैसे जैसे ही लगाऊंगा दोस्तों तुरंत फिर से चालू हो जाएगा चलना, आप देख रहे हैं इस तरह से ये काम कर रहा है बेसिकली हमारा सिस्टम अच्छे तरीके से, इस तरह से हमारा ये फ्री एनर्जी जनरेटर काम कर रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों वैसे लिए काम कर रहा है हमारा फ्री एनर्जी जनरेटर। अब मैं इसको मैनर को हटा देता हूँ और ये बंद हो जाएगा, बंद तो मैं यहाँ पर इसको हटा लूँगा और फाइनली ये बंद हो जाएगा फ्री एनर्जी जनरेटर को। इस तरह से इस वाले मैनर की सतह से ये काम करता है। तो अब दोस्तों मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि ये था यहाँ पर जो फेक एनर्जी जनरेटर आपको बनाकर दिखाया था यहाँ तक, तो फेक इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन अब ये काम कैसे करता है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो कैमरा तो चलो दिखाओ, अब तू दिखाओ बढ़िया। तो दोस्तों आप देखते हैं ये है फ्री एनर्जी जनरेटर का सच, आप देखते हैं यहाँ पर ये जो फैन, इससे हवा आ रहा है, हवा की वजह से ये फैन घूम रहा है, और इस मैग्नेट का इसमें कोई रूल नहीं है आप देखते हैं, इस मैग्नेट का इसके अंदर कोई रूल नहीं है दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से वैसे ही चल रहा है। इस वाले फैन सीधा इस पे फैन पर लग रहा है और सीधा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ये हवा में आता है और हवा इसको फिर घुमाने लगता है रोटेशन मोड में, इस तरह से काम करता है। इसलिए मैं मैग्नेट लगाऊँ या ना लगाऊँ कोई मतलब नहीं है आप देखते हैं यहाँ पर। तो ये है इस फ्री एनर्जी जनरेटर का राज, आप देखते हैं मैं कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर लगाने न लगाने का अच्छे तरीके से, क्योंकि ये वाला मोटर चल रहा है पहले से ही, तो इसको घुमा रहे हैं आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। इस तरह से ये काम करता है बेसिकली फ्री एनर्जी जनरेटर का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई आपको पता हो गया होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ खास लगाया नहीं जिसकी वजह से ये घूमे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये है फ्री एनर्जी जनरेटर का अंदर का राज, यानी इसका पीछे की सच्चाई। तो आप देख सकते हैं इस बार माइनर पर कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर मैं लगाऊंगा यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा ट्रैक्शन करता है लेकिन थोड़ा सा घुमाता है क्योंकि इसका बार बार साउथ पोल चेंज होता रहता है, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा घूमता है लेकिन लगातार घूमता नहीं घूम सकता ये, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी लॉस हो जाएगा और जीरो हो जाएगा हमेशा से ग्राफ, इसलिए ये चल नहीं पाएगा, थोड़ा थोड़ा तो ये हिलेगा आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये है इसके पीछे की सच्चाई, आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट किया। हम मिलते हैं इसी तरह किसी ने वीडियो तक के लिए। जय हिंद।